दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार यादव सोनी भाई ब्लॉग पे आप लोग का स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं लौरिया, जहां पे अशोक स्तंभ है। यहां पे बहुत पुराना मेला भी लगता था। देखिए दोस्तों, ये रूट आपको जोड़ती है, देखिए आगे दिखा रहे हैं, अशोक स्तंभ भितिहरवा, यहां से 34 किलोमीटर है, और रामपुरवा 35 किलोमीटर है, और नरगढ़ियागंज यहाँ से 15 किलोमीटर है, और गांधी आश्रम भितिहरवा आपको 31 किलोमीटर है। यहाँ से होकर के इस रूट से गुजरती है। तो दोस्तों चलिए दिखा रहे हैं, आज लौरिया अशोक स्तंभ के पास इतना भीषण बाढ़ आया है, जो कि आपको चल करके दिखा रहे हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रा उस बाढ़ के पानी के अंदर चल करके दिखाएँ कि कितना पानी है। चलिए दोस्तों, मैं अशोक स्तंभ लौरिया आ गया हूँ, और यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है दोस्तों। आइए मैं दिखाता हूँ आपको अंदर चल करके कि यहाँ पे ये दूसरी बाढ़ का पानी यहाँ पे आई है और यहाँ लगी है। यहाँ का लोग त्राही माम ही कर रहा है दोस्तों। एक तो कोरोना का महामारी, दूसरा ये बाढ़ का पानी। दोस्तों तो मैं आपको नज़दीकी से दिखा रहा हूँ कि ये बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। ये लौरिया का अशोक स्तंभ है, जो यहाँ से रूट नरकटियागंज की तरफ जाती है। ये देखिए बाढ़ का पानी, ये इसका इस पानी में इतना ज़्यादा करंट है कि यहाँ पे देखिए पैर फिसल जा रहा है। ये पानी बढ़ते ही जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे मेला लगता है, देखिए बहुत अच्छा मेला लगता है, और ये मंदिर है, और ये अशोक स्तंभ है। यहाँ पे लौरिया का निवासी सारे लोग छठ पूजा वगैरह होता है यहाँ पे, और ये अशोक स्तंभ है। यहाँ से होकर के इसका रूट निकला हुआ है, आपको दिखाएंगे आगे भी। अशोक स्तंभ पूरा पानी से विलीन है दोस्तों। ये मंदिर है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि मंदिर को भी दिखाएं। ये दूसरी लहर है, बाढ़ का दूसरी लहर है। ये मंदिर है, यहाँ पे पूजा वगैरह होता है, शादी वगैरह भी कराई जाती है। और ये देखिए, ये इधर का नज़ारा देखिए दोस्तों, ये पूरे पानी से लबालब भरा हुआ है दोस्तों। यहाँ डाइवर्सन था, जो ये न्यू पुल जो बनी है, यहाँ से ये डाइवर्सन अगले रूट के लिए जोड़ता था, जो ये पूरी तरह से पानी से विलीन हो चुका है। इधर पानी ही पानी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से रूट जो नरगढ़ियागंज की तरफ रूट जोड़ती थी, ये खारिज हो चुकी है, ख़राब हो चुका है। देखिए ये डाइवर्सन ये होकर के ऐसे उस रूट में मिलता था। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस रूट के तरफ दिखाएं, उस रूट में जा करके मिलता था, क्योंकि देखिए कितना तेज पानी का लहर है। यहाँ आवागमन बिल्कुल पब्लिक का रुक गया है, नहीं जा रहे हैं लोग, कोई पब्लिक। ये पुल है, ये पुल आज समझिए ये 2-3 साल से बन रहा है, लेकिन बाढ़ की वजह से ये बन नहीं पा रहा है पुल। और देखिए आवागमन बिल्कुल लोगों का रुक चुका है। ये डाइवर्सन था, जो लोग के इस पार से उस पार जोड़ता था, आज ये पानी से विलीन हो चुका है। है ये आपको अशोक स्तंभ के पास का ये रूट है। आगे जो शेरवा टोला गांव है, आगे आप नहीं जा सकते हैं, इसके इससे 2 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक लाचका पड़ता है, वहाँ पे भी बहुत पानी आ चुका है, वहाँ हम नहीं पहुँच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये है, आपको ये डाइवर्सन जा करके जोड़ती है नरगढ़ियागंज रूट पे। यहाँ पे सारे क्षेत्र के लोग को बहुत परेशानी हो रही है, और यहाँ से आने जाने में बहुत सी दुविधा हो रही है, क्योंकि
यहाँ से उस पार कोई पब्लिक जा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों आपको दिखा रहे हैं, चलिए अशोक स्तंभ, जहाँ पे अशोक स्तंभ बिल्कुल पूरी तरफ से विलीन हो चुका है। दोस्तों ये आपको दिख रहा है, एक ये अशोक स्तंभ है जो चारों तरफ से आपको पानी में बिल्कुल विलीन हो चुका है। इससे पब्लिक का आवागमन बिल्कुल रुक, अशोक स्तंभ के पास से आवागमन बिल्कुल रुक चुका है। तो दोस्तों ये मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारे पूजा वगैरह होता है।